तो ऐसे नहीं चाहिए ब्लाउज अपने को। कैम्ब्रिज मॉर्निंग ओके मॉर्निंग 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 मेलर मुंह बन रहा है ना अश्विन। नहीं बहुत आंटीश नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है बट बहुत बड़े लग रहे हैं। के ये बिहार का पेड़ा, थैंक यू शहबाज। आप तो व्लॉग बना के हमें वायरल कर दीजिए और क्या, बस मैं वायरल हूँ, मुझे हम सब वायरल हो जाओगे। 20 दिन कोलकाता में रहने के बाद फाइनली टाइम आ गया था कि मुझे हैदराबाद जाना था और टिकट्स भी मुझे मिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। नौरीन अब हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद वापस। कहाँ जा रहे हैं नौरीन वापस? हैदराबाद। आप ही के पास लल्ला भी बोल रही है। मुझे तो लगा था कि नौरीन बहुत ज़्यादा रोना धोना करेगी और संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत आराम से वो उठ गई और अपना प्यार दिखाते हुए हाथ से हार्ट बनाते हुए कार की तरफ रवाना हो गई स्टेशन जाने के लिए। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ लोग 4 बजे भी उठकर ठंडे पानी से बाहर वाले नल पे नहाते हैं, तो 6 बजे तो काफ़ी लेट हो जाता है, तो ऑलमोस्ट आधा कोलकाता 6 बजे उठ जाता है। नहीं मिले जगी हुई है, ये उठ गई। बस है, बस पे नहीं बैठी है ना कभी। जब भी कोलकाता का नाम लिया जाता है तो हेस्टिंग हाउस और हावड़ा ब्रिज को कभी नहीं भूला जा सकता है। ये दो खूबसूरत जगह हैं जो कोलकाता की शान है। ये हावड़ा ब्रिज है नौरीन? ट्रेन से जा रहे हैं हम लोग। अरे ट्रेन याद है इसको। हम लोग तो बहुत जल्दी आ गए हैं तो हम लोग यहाँ पे अभी लाउंज में बैठेंगे, ठीक है? ओके चार्जिंग आ जाओ। तो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं पापा की वजह से, तो हम लोग को यहाँ पे रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लगा चन्ना है। रख दो ये सामान, रख दो, कोई नहीं लेगा आपका सामान। नहीं लेगा, लेट जाओ। हावड़ा स्टेशन में ये लाउंज बनाया गया है जो मैंने पहली बार देखा था और सच में बहुत अच्छा है। 50 रुपये पर आवर है जिसमें आराम से आप एसी के मज़े ले सकते हैं और इतना अच्छा कंफर्टेबल सोफ़ा है कि उसमें आराम से बच्चे भी सो सकते हैं, आप भी आराम से एक नींद तो ले ही सकते हैं। नो, छुपाने की कोई बात नहीं, यू कैन गिव इट टू हर, यू कैन शेयर विद हर। शेयरिंग इज केयरिंग बेटा। मामू मारेंगे? क्यों मारेंगे मामू? बाबा मामू नहीं मारते हैं। उसको दूध ले लेना। उसको मुंह में खिला रही है। पे देखो आपका डाइपर आ गया, सी कॉट योर डाइपर। इसमें मिठाई है, इसमें खाना है।
देखो, चलो खाएंगे, हैंड वॉश करके आएंगे। सुबह मिल लो दीदी से बेटा। जाओ जाओ जाओ, खेल लेंगे सुबह, खेल लेंगे सुबह, खेल लेंगे दीदी को। दीदी से कल मिल लेना, चलो कल कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। को गुस्सा कर रहे हैं दीदी, दीदी को गुस्सा, दीदी दीदी कल सुबह आ जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग, इस लड़की से नौरीन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और कल रात रोकर सोने के बाद जब उसने सुबह उसे देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसके सीट पर ही जाकर फिर से सो गई। ओके ओके ओके, मेरे को तो बात करनी है। बाबा आ गए, चलो बाबा आ गए, आप ही आ गए, चलो जल्दी करो। सामान यहाँ पैक करना बाकी है, बाकी कहाँ है? चलो कुली ऊपर चढ़ो, क्या चाहिए तुमको? अरे किधर है अन्ना, कुली हो तू? अरे भाई किधर है? ये तीनों तो नहीं है। अच्छा ये दो और ये इतना है, लो शुपेनो, ऊपर से पैक कर लो सब सामान। हमको मालूम सब कुछ नहीं पैक करी हुई होगी, करना चाहिए था ना। उधर बैठा बैठा बोतल कैसे लगा बेटा? अंकल के साइड में नौरीन तुम्हारा डिड्डू रेडी है और ये गाड़ी में कुछ चेंजेस हुए हैं। आ गई हूँ अपनी कार के सीट पर वापस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हैदराबाद से व्लॉग आने वाला है। हैदराबाद और कोलकाता के मौसम में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि यकीन ही नहीं होता है कि एक ही कंट्री के दो शहर हैं और सिर्फ 1500 किलोमीटर का डिफरेंस है। यहाँ पे इतनी हवा चल रही थी और कोलकाता में पसीने में हम लोग नहाते रहते थे, तो खैर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई ये ठंडी ठंडी हवा खा कर। तो अनपैक हो गया है और अभी बहुत सारा सामान जगह पे रखना है। अभी हम लोग जा रहे हैं यशवीन के लिए, क्या फेयरवेल का साड़ी लेने के लिए, और होपफुली जल्दी जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कल से यूनिवर्सिटी भी जाना है और क्योंकि मेरा वाइवा का डेट आ चुका है। हाँ तो बहुत जल्द अवार्ड होने वाला है इंशाल्लाह, तो मिलते हैं मार्केट में, देखिए कैसा। और ये लड़की को मैंने अभी तक हग नहीं किया है क्योंकि ये नहा ही नहीं है। Go and take bath. Bye. देखो ना तुमको, तुम्हारे लिए है ना, तुमको जो पसंद है वो देखो। हमको सब एक जैसा लग रहा है। ये देखो ये कलर, ये कलर कलर नहीं। अच्छा दिस ब्लाउज ऑलरेडी स्टिच, ब्लाउज स्टिच्ड है, सेम स्टिच है, तो ऐसा नहीं चाहिए ब्लाउज अपने को। ये तो ये हम लोगों को नहीं चलेगा। ये इधर ये तो ये साड़ी तो नहीं है। सेवन
एक पसंद आई 8000 का था। ये पांचवी शॉप में शायद अभी भी मुंह ही बन रहा है ना अश्विन? नहीं बहुत आंटीश नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है बट बहुत बड़े लग रहे हैं। ये अच्छा है ना? मैं आस्था को दे दूंगा यहाँ का एड्रेस। मदर की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। अभी मैं उतरी थी लेकिन एक बड़ी बच्ची जो है उसके लिए मुझे जाना था अभी शॉपिंग के लिए, क्योंकि उसको फेयरवेल नहीं मिला था लेकिन स्कूल वाले फेलिसिटेशन कर रहे थे तो उसकी पूरी तैयारी करनी थी। साड़ी से लेकर ब्लाउज से लेकर चप्पल तक एवरीथिंग हमने खरीदा। सामने से पल्लू आ जाएगा, आ जाएगा पर छोटा है बहुत, ज़्यादा छोटा लग रहा है। ये ऐसे साइज में बटन देख लो, ले लो, लेके जाओ ना, दो तीन ट्राई करो, एक बार पल्लू डाल के देखते हैं, दो तीन ट्राई करो, जो भी ब्लाउज के साथ जाएगा मतलब साड़ी के साथ जाएगा। एक ये भी लो ना, ये लो ना, स्मॉल साइज है, ये लेके जाओ, जो अच्छा लगेगा उसको ट्राई करो। चलो शॉपिंग तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं पानी पूरी खाने के लिए, ठीक है? खाना है ना? आज हॉस्टल जाने से पहले मुझे खाना है। अच्छा अच्छा, पानी पूरी खाते हैं। यशवीन के पास उसके छोटे मामू का पैसा रखा हुआ था जो उसे पास होने में एज अ गिफ्ट मिला था, तो मैंने जीवा का ये सिल्वर ज्वेलरी उसे दिला दिया जो काफी सूट कर रहा था, मैच कर रहा कोई था। कोई ना कोई जरिए से मम्मी नीड्स पहुंच ही गई वापस। आप लोग तो याद, आप लोग समझ ही आ गया होगा, कोई ना कोई जरिया से मम्मी नीड्स पहुंच चुकी है। उनको बोले ना, लोग निकाल के दिखाएंगे, दिखाएंगे अल्लाह की मेहंदी करके फोटो खींचते। ब्लैक चाहिए ना, उसमें है तो ये क्रीम कलर में आया, अपने को ब्लैक में चाहिए। कितना? 1300 का ये नक्को, ये 1300 का है। चल के देखो कैसा, राइट वाला लूज लगता है। जिसको हील पहनना रहता है उसको चलने के लिए आना चाहिए पहले, ठीक है? बोगला की जैसा नहीं चला जाता हील पहन का। हील जूतों में चलते हैं, मेरे जूतों में बहुत ज्यादा हील। The next day. Are you excited for the books? Huh? Show me your books. Show me your books. Yes. Let's go. Green? Show me your books. और ये लग रहा है डायरी है। डायरी है, उसको फाड़ कर निकालना है। नौरीन का बुक्स मिल चुका है और नौरीन अब हम लोगों को दिखाएगी कैसा बुक्स है। मेगा। ओपन करो, बुक्स दिखाओ। ABCD का कार्ड्स दिया है मम्मी, मम्मा कार्ड्स दिया है, फ्लैश कार्ड्स ABCD। ओहो, इन्हीं बच्चे बच्चे वो दे दो, वो हाथ में उसके कुछ पेपर है मम्मी। हाँ वो पेपर्स दे दो, वो पेपर्स दे दो। आज ले लो। हाँ लो लो लो। माय फर्स्ट। देखिए देखिए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? NEP NEP फॉलो करने पड़ेगा, NCP EP नेशनल पॉलिसी है ना। कोला कोला एनसी, यस यस ये 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 वाह। अब वो ये आप क्या करी, कल से अब होमवर्क आ जाएगा, एक ये का समझ रही है। ओपन करें आप, ये आप ही ओपन करें। थैंक यू। ये देखिए ये स्टिकर है शायद। क्या है ये पिक्चर? रीडिंग एज एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल लिटरेसी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। क्या हम लोग के जमाने में ये सब आता था? पिक्चर टॉक। नौरीन तुमको तो बहुत सारा चीज मिला। अब तुम ओ कार्ड फोल्ड हो रहा है, कार्ड फोल्ड हो रहा है, कार्ड फोल्ड हो रहा है, फोल्ड कार्ड फोल्ड क्या है, कार्ड तो नीचे गिर रहा है। बोलो उसको एक्सेप्ट कर रही है। नो नो कीप इट नाइसली लॉक, अच्छे से रखो कार्ड्स को।
अच्छा अच्छे से रखो कार्ड। कांग्रेचुलेशंस। नौरीन का नई किताब को लेकर एक्साइटमेंट देखकर बस इस बात का डर था कि ये बुक्स मुझे कल सुबह तक मिल जाएं, क्योंकि उसकी एक हैबिट है छुपा देने की चीज़ों को। मॉर्निंग मेलर। बस क्या बुक्स तो तुम छुए, तुम तो बस कार्ड लेके चली गई। कार्ड्स का नौरीन, नौरीन हाइड नहीं करने का। एक बुक भी नहीं मिलेगा फिर हाइड कर देगी तो। छुपाना। Why are you hiding? अरे पा। ये सब करने कराने के बाद अब रोल आया था एक स्कॉलर का प्ले करने का। तो क्योंकि मेरा पीएचडी सबमिशन हो चुका है और मुझे पीएचडी अवार्ड होने वाला है वेडनेसडे के दिन, तो उसके लिए मैं डेट फाइनलाइज और दूसरे चीज़ों के लिए गई थी मानू। तो व्लॉग बना के हमें वायरल कर दीजिए और क्या। बस मैं वायरल हूँ, मुझे हम सब वायरल हो जाओगे एक साथ। पहले मैं तो वायरल हो जाऊँ। तो मैं अब भी आ चुकी हूँ मानू से। इंशाल्लाह मेरा फाइनल वाइवा हो जाएगा, देन मेरा पीएचडी कंप्लीट। और मुझे शहबाज ने दिया है कुछ, वो बिहार से लेकर आया था, देखते हैं क्या दिया है उसने। ओके, ये बिहार का पेड़ा, थैंक यू शहबाज। और ये पेड़ा बिहार से लेकर आकर वो रखे हुए था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। कैसा लगा पेड़ा? शहबाज को थैंक यू बोल दो भाई। मदर, स्टूडेंट, वाइफ, ये सारे रोल प्ले करते करते रात हो चुकी थी। और अब मैं ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मैंने व्लॉग में ऐड किया तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये शफीन का लुक कैसा हुआ है उसके साड़ी, ज्वेलरी और चप्पल के बाद, ये सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आने वाले व्लॉग्स में आप मेरा अवार्ड भी देखेंगे, डॉक्टरेट अवार्ड जो मुझे मिलने वाला है, वो भी आपको आने वाले व्लॉग में दिखने के लिए मिलेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। अगर आपको मेरा लाइफ, मेरी ज़िंदगी थोड़ा भी इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।